नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा कपूर। जी हाँ, जैसे मेरी शक्ल वैसे मेरी सीरत। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोवर्सी से बचाया है, क्योंकि मेरे पिताजी शक्ति कपूर है, और ऐसे पिताजी जो स्क्रीन पे विलन की इमेज रखते हैं और रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे कुकर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से नाम खराब हो जाता है, उसके बावजूद मैंने अपनी इमेज संभाल के रखी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट हूँ। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक से ज्यादा फिल्म की, मगर मेरा नाम कभी उसके साथ गलत तरीके से जोड़ा नहीं गया, नॉट एज एन अफेयर, नॉट एज अ मी टू एलिगेशन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हुआ। मगर देखो मेरी किस्मत, अब ये जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, उस ड्रग इन्वेस्टिगेशन में मेरा नाम आ गया। जी हाँ, मैं वो कोई आइलैंड गई थी जहां पर वो बोट वाले ने मेरा नाम ले लिया कि मैं भी जाती थी उस आइलैंड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूं, बिकॉज आई रियली थॉट कि मेरी शक्ल सूरत की वजह से मेरी इमेज जो सती सावित्री जैसी है वो बनी रहेगी, मगर मेरा नाम भी आ गया है ड्रग्स माफिया एंगल में। एंड आई रियली हैव टू प्ले इट कूल एंड काम, क्योंकि सारा मीडिया ट्रायल हो रहा है दीपिका पादुकोण के साथ। यू अंडरस्टैंड, सारा मीडिया ट्रायल हो रहा है दीपिका पादुकोण के साथ, क्योंकि मीडिया को उससे खुंदस है। तो मैं इस मामले को प्यार से हैंडल करूंगी। मेरे जो पिताजी है शक्ति कपूर, वो ऑब्वियसली अच्छी बुक्स में है विद द केंद्रीय सरकार, सो आई थिंक आई शुड प्ले इट really cool and I should really be calm, क्योंकि देखिए जब मैं एक से ज्यादा फिल्म कर सकती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ और अपना नाम भी उसके साथ नहीं जोड़ा पब्लिकली, ये सारा अली खान के एंगल जैसा, तो उसके बावजूद अब मेरा नाम ड्रग्स एंगल में आ गया है, तो आई रियली हैव टू प्ले इट कूल नाउ, क्योंकि देखिए मैं श्रद्धा कपूर हूँ, मैंने बहुत मुश्किलों से नेपोटिज्म के एंगल को भी अपने आप से दूर रखा है, मैं शक्ति कपूर की बेटी हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, ऐसे ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद कोई मेरा नाम नहीं जोड़ता नेपोटिज्म से। सब करीना कपूर को टारगेट करते हैं, सब वरुण धवन को टारगेट करते हैं, मगर मुझे कोई टारगेट नहीं करता। सारा अली खान को टारगेट करते हैं, अनन्या पांडे को टारगेट करते हैं, आलिया भट्ट को टारगेट करते हैं, मगर श्रद्धा कपूर को कोई टारगेट नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं मैं किस लेवल की प्लेयर हूं, मेरे क्या सेटिंग है। मगर अब मेरी सेटिंग थोड़ी हिल रही है, मेरा नाम भी आ गया है इन द एनसीबी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग एंगल रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत। सो लेट्स बी काम श्रद्धा, लेट्स बी काम, हमें ये हैंडल करना पड़ेगा जैसे हमने बाकी सब कुछ किया है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ श्रद्धा कपूर, बहुत शरीफ लड़की, बहुत अच्छी लड़की, बॉलीवुड की अभिनेत्री, ए ग्रेट अभिनेत्री। नमस्ते।